आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड सिंबल्स नेम्स इंग्लिश और हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलियस या फिर एट, हिंदी में इसको बोलते हैं उर्फ। इसको एलियस भी बोलते हैं और एडावेट भी बोलते हैं, एडावेट बोल दो या फिर एड बोल दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैस और हिंदी में इसको हम हैस ही बोलते हैं, हैस। और यह है फ्रेंड्स डॉलर, इंग्लिश में इसे डॉलर बोलते हैं और हिंदी में भी इसको हम डॉलर चिन्ह बोलते हैं, डॉलर। ये है फ्रेंड्स परसेंट, इसको इंग्लिश में परसेंट और हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, परसेंट। और ये है फ्रेंड एस्ट्रिक्स, इंग्लिश में इसे एस्ट्रिक और हिंदी में इसे तारक चिन्ह बोलते हैं, एस्ट्रिक। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रुपी और हिंदी में इसको हम रुपए का चिन्ह बोलते हैं, रुपी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी या फिर सिंगल कॉट साइन और हिंदी में इसको हम एकल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी या फिर सिंगल कॉट साइन। और यह है फ्रेंड्स सेमीकोलन, इंग्लिश में सेमीकोलन और हिंदी में इसे अर्धविराम बोलते हैं, सेमीकोलन। और यह है फ्रेंड्स इज इक्वल टू, इंग्लिश में इज इक्वल टू और हिंदी में इसे हम बराबर का चिन्ह बोलते हैं, इज इक्वल टू। यह है फ्रेंड कोटेशन मार्क, हिंदी में इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, कोटेशन मार्क। और यह है फ्रेंड्स कोलन, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं अपूर्ण विराम, कोलन। और यह है फ्रेंड्स ट्रेडमार्क, हिंदी में इसे हम बोलते हैं व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क। और यह है फ्रेंड्स कॉपीराइट, हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रकाशनाधिकृत मतलब कॉपीराइट। और यह है फ्रेंड्स रजिस्टर्ड, हिंदी में इसे हम पंजीकृत बोलते हैं, रजिस्टर्ड। और यह है फ्रेंड्स डिग्री सेल्सियस, हिंदी में इसे हम डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। और इसको हम बोलते हैं डिग्री और हिंदी में भी हम इसको डिग्री ही बोलते हैं, डिग्री। और यह है फ्रेंड्स पाउंड साइन, हिंदी में भी इसे हम पाउंड चिन्ह बोलते हैं, पाउंड साइन। और यह है फ्रेंड्स यूरो साइन, हिंदी में भी इसे हम यूरो चिन्ह बोलते हैं, यूरो। और यह है फ्रेंड्स कोमा, हिंदी में इसे हम अल्पविराम बोलते हैं, कोमा। और यह है फ्रेंड्स डॉट या फिर फुल स्टॉप, हिंदी में इसे हम बिंदु या फिर पूर्ण विराम बोलते हैं, डॉट या फिर फुल स्टॉप। और यह है फ्रेंड्स पैरेंथेसिस या फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, हिंदी में इसे हम
कोष्टक बोलते हैं, पैरेंथेसिस या फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और ये है फ्रेंड्स राउंड ब्रैकेट्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं गोल कोष्टक, राउंड ब्रैकेट्स। और ये है फ्रेंड्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्ग कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। और ये है फ्रेंड्स पाई, हिंदी में इसको हम पाई का चिन्ह बोलते हैं, पाई। और ये है फ्रेंड्स डेल्टा, हिंदी में हम इसको डेल्टा चिन्ह बोलते हैं, डेल्टा। और यह है फ्रेंड्स स्लैश, हिंदी में हम इसको ओब्लिक बोलते हैं, स्लैश। और यह है फ्रेंड्स ब्रेसेस, हिंदी में हम इसको धनु कोष्टक बोलते हैं, ब्रेसेस। और यह है फ्रेंड्स डैश, हिंदी में हम इसको निर्देशिका बोलते हैं, डैश। और यह है फ्रेंड्स हाइफेन, हाइफेन और डैश एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है, तो हाइफेन को हम हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह, हाइफेन। अब आपको बताना है कि प्रतिशत के चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।